अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे अटक के खूबसूरत तरीन पॉइंट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे बैक साइड पे एक होटल है जो अभी तक बंद है, और जबकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ट्रीज जो दरख्त लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ठंडी हवा चल रही है, किसी हद तक बादल भी आए हुए हैं, जबकि अगर मैं आपको बैक साइड पर दरिया का व्यू दिखाऊँ तो नो डाउट कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। ब्लू कलर है, ग्रीन कलर का दरिया जो इस वक्त बह रहा है पूरी अपनी आबोताब के साथ दरिया सिंध, और वक्त के साथ साथ जूँ जूँ गर्मी में इजाफा होगा तो ये पानी ऊपर की तरफ आएगा। अभी तकरीबन 15-20 फुट नीचे, तो ये एक जस्ट लाइक बीच की तरह है। अगर आप इस साइड पर देखें तो सामने यहाँ पर पर्सन नज़र आ रहा है, नीचे होटल है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, आगे बोट है और बहुत खूबसूरत व्यू है। तो बैक साइड पे अगर आप देखें तो केपी का इलाका है, ये पंजाब और केपी का बॉर्डर है। आपको फिश मिलेगी, फ्राई फिश मिलेगी, ग्रेल मिलेगी, काबली पुलाव मिलेगा, बिरयानी वगैरह मिलेगा, रोस्ट वगैरह मिलेगा, मछली वगैरह मिलेगा, जो चीज़ आपको चाहिए। कब मिलेगा? इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर। 4 दिन के बाद? तो ये जो पीछे जिसके साथ आप टेक लगा खड़े हैं, ये आपकी कैंटीन बनेगी? यही मेरी कैंटीन है। तो जो मछली मिलेगी वो मछली किधर की होगी? यही अपने समंदर की होगी, अपने दरिया वाली है जी। फ्रेश मछली मिलेगी आपको। ठीक है, तो मछली का क्या रेट चल रहा है? मछली का मुख्तलिफ रेट चल रहा है, 700 भी चल रहा है, 800 भी चल रहा है, 1000 भी चल रहा है। ठीक है, और एक है उसमें जो पलवा बोलते हैं वो यानी कि 2500 है। वो 2500 बना के या कच्ची? जी जी, फ्राई मिलेगी। फ्राई मिलेगी आपको, सब रेट फ्राई के दे दिए। फ्राई के दे दिए, और कच्ची तो आपको पता है 500-600 रुपए में मिल जाती है। तो ये बताएं कि ख्वातीन के बैठने का क्या इंतज़ाम है? ख्वातीन के बैठने का इंतज़ाम हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये रूम भी है, ये जगह भी है, पार्किंग भी है, और आगे ख्वातीन के लिए एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। स्विमिंग पूल बना रहे हैं जी, लास्ट में वो स्विमिंग पूल ख़वातीन के लिए बना रहे हैं। अच्छा, वो पर्दे में बनाएंगे आप जी, उसके लिए पूरा ग्रीन पर्दा लगेगा। ग्रीन पर्दा, ये मेल का है, मर्दों का है? जी जी, ये मर्दों का। तो इसमें 30 रुपये पर टिकट रखा हुआ आपने? ओनली 30 रुपये रखा हुआ है। तो कितनी देर? इसमें कोई दे देता है, कोई नहीं देता। अच्छा जी। जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अच्छा, सही है। जिस आदमी के साथ बड़ी फैमिली है, बड़ा सिस्टम है, तो वो सामने जो छप्पर लगाया हुआ है झोपड़ी है, हाँ जी, उसमें जा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, उधर आराम से वो लोग सब लेडीज हो जो भी है उधर जाके आराम से बैठेगा। तो वो जाएंगे कैसे? वो हमारा, हम खुद प्रोवाइड करेंगे उनको। कैसे? कश्ती है हमारे पास, सब कुछ है, मौजूद है हर चीज़। अच्छा, कश्ती है, आप कश्ती पे उनको सर्विस देंगे? हाँ जी, सर्विस। पहले बंदे छोड़ आएंगे, बाद में उनको आप ले जाएंगे? हाँ, अगर वो उनका सामान भी, वो लोगों का मर्जी है कि भाई खाना हमको उधर अरेंज करो तो बना के इधर दो, तो हम लोग इधर से बना के उनको भेज देंगे। ओके, अगर उन्होंने बोला है कि भाई हमारे साथ उधर बैठ के खाना बना के दो, अच्छा, तो हम ताबेदार हैं उनके लिए, जाएंगे। क्या बात हम है, हम गुलाम हैं उनके, इंशाल्लाह ये काम करेंगे इनके लिए। ज़बरदस्त, ये आपने कमाल किस्म की सर्विस शुरू की है। जिसको भी आना है तो ब्लू वाटर कैफ़े जो है ना, इसका नाम है ब्लू वाटर कैफ़े। ब्लू वाटर कैफ़े जी, ठीक है। इसमें अंदर ब्लू वाटर कैफ़े फॉर्मूली नहीं, मल्ला मल्ला, ठीक है। इधर ब्लू वाटर कैफ़े जो भी दे ना उसको लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, गूगल में जो कमीशन है ये है ना, गूगल में लगा के ब्लू वाटर कैफ़े है तो उसको लोकेशन है। ओके,
तो वो गूगल लगा के आगे सीधा इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंचेंगे हमारे पास। वाह, गुड हो गया जी, ब्लू वाटर कैफे। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाल्लाह। आपका नाम क्या था? शकील खान। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त हो गया। ये चिड़ियाघर में ये कबूतर है, ये उनका जगह है बैठने का, कबूतरों का जी। इधर हमारा कुत्ता बंदा रहता है, ये बकरियां हैं, ये बकरियों के लिए जगह रखी हुई है। वाह, ये बकरी, ये जबरदस्त है, ये इधर ही होती हैं, ये इधर ही होती हैं, रात को दिन को इधर ही होती हैं, घास इनको इधर ही डाल जाता है। बच्चा देख लो। अच्छा, ये फ्रेश गैस हुई है, ये इसको बांधा हुआ क्यों है? कमज़ोर है? हाँ कमज़ोर है, इसको बांधा हुआ है, ये जो है ना पूरा सिस्टम इसका बाहर आ गया था। अच्छा, ओहो हो, तो अभी इसकी सेहत ठीक है? ये कब हुई है? ये दूसरा है। सबर यार, अभी तो बड़ी मुश्किल से ये खड़ा हो रहा है ना? नहीं, ये कुछ मांग रहा है, बोल रहा है दियो। अभी इसको भूख लगी हुई है। तो इसको बोतल वगैरह लगाते हैं? हाँ। फीडर दूध देते हैं, फीडर से। हाँ। तो गाय की क्या पोजीशन है? गाय इंशाल्लाह सेट है, सेट है। अच्छा, इसको आपने फिलहाल सपोर्ट दी हुई है जी? ये आड़ू का बाग है। हाँ। जी, मैं इस वक्त एक आड़ू के बाग में खड़ा हूँ, जिसको पीच का बाग भी कहते हैं। और यहाँ पर ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पीच के दरख्त लगे हुए हैं।